राष्ट्रमंडल खेल 2022 का पांचवा दिन समाप्त हो गया। भारत के लिए पांचवा दिन शानदार गुजरा। पांचवें दिन भारत की शुरुआत गोल्ड मेडल से हुई। भारत की महिला लॉन बॉल्स टीम ने भारत को दिन का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। उसके बाद पुरुष टेबल टेनिस टीम ने दिन का दूसरा स्वर्ण पदक जीतकर भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 5 तक पहुंचा दिया। उसके कुछ ही देर बाद भारत के भारोत्तोलक खिलाड़ी विकास ठाकुर ने 96 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए रजत पदक जीतकर भारत के पदकों की संख्या 12 तक पहुंचा दिया। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा पदकों के जीत का सिलसिला यहीं पर समाप्त नहीं हुआ, बल्कि भारत के खिलाड़ियों ने 13वां पदक भी जीत लिया। देर रात्रि भारत की बैडमिंटन की मिक्स टीम फाइनल में मलेशिया से हारकर रजत पदक हासिल किया। इस पदक के साथ पांचवें दिन की समाप्ति पर पदक तालिका में भारत को 5 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य के साथ कुल 13 पदक हो गए हैं और अभी भारत पदक तालिका में 6ठे स्थान पर कायम है।